पेप्टिक टाउन के खेल मैदान पर पेप्टिक ग्रुप के द्वारा आयोजित किए जा रहे पेप्टिक प्रोफेशनल लीग 2024 के डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन यानी मंगलवार को दो शानदार मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला रिलायंस डायमंड और केसीसी वॉरियर्स के बीच था, जिसमें रिलायंस टीम के धर्मेंद्र ने अकेले दम पर केसीसी के हाथ से जीत छीन ली। वहीं दूसरा मुकाबला आईटी मार्कोस और एमआर 11 के मध्य खेला गया, जिसमें एमआर की टीम आईटी के सामने कमजोर पड़ गई। इस मुकाबले को आईटी ने आसानी से अपने नाम कर लिया। पेप्टिक टाउन में चल रहे इस अनूठे टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों के परिवार सहित यहां पहुंचे। वहीं हजारों लोगों ने स्पोर्ट्स पेप्टिक पर चल रहे लाइव प्रसारण के माध्यम से इन शानदार मुकाबलों का आनंद लिया। पहले मैच में टॉस जीतकर केसीसी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। केसीसी टीम के 7 बल्लेबाजों ने मिलकर निर्धारित 10 ओवरों में 99 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रिलायंस डायमंड टीम के शुरुआती बल्लेबाज कुछ खास न कर सके, जिस कारण से केसीसी की टीम मुकाबले में भारी पड़ती नजर आई। लेकिन 4 विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे रिलायंस डायमंड के शानदार बल्लेबाज धर्मेंद्र ने न केवल पारी को संभाला, बल्कि 16 गेंदों में 6 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके लगाकर 42 रन की शानदार नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। धर्मेंद्र इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरे मुकाबले में आईटी मार्कोस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आईटी के ओपनर बल्लेबाज गौरव ने 10 गेंदों पर 20 रन और निखिल ने 7 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली तथा ओपनर बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर आए आईटी के सत्यदीप और आलोक ने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाकर 136 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। सत्यदीप ने 27 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 6 शानदार छक्के और 3 चौके भी निकले। वहीं आलोक ने 16 गेंद पर 39 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके भी मारे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआर टीम के सलामी बल्लेबाज शैलेंद्र और सत्यम ने टीम को सधी हुई शुरुआत तो दी, लेकिन वे अपनी टीम के लिए अधिक रन नहीं जोड़ सके। शैलेंद्र 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियम लौट गए। सत्यम 14 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बना पाए और आउट हो गए, और इस तरह एमआर 11 की टीम इस मुकाबले को गंवा बैठी। इस मुकाबले में आईटी के सत्यदीप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। एक्सीलेंट बल्लेबाजी थी, जैसा हमने गाइड किया था वैसा उसने पूरा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक्चुअली अपोजिट टीम भी बहुत अच्छा खेली, उन्होंने भी काफी दबाव बना के रखा, बस हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में इमीडिएट चेंज किया और उसका हमें बहुत अच्छा ऊपर का डाउन हमें नीचे रखना पड़ा, तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिला। बिल्कुल कई रन आपने देखा, राम को भी नीचे किया, तो ये क्या एक रणनीति थी वहाँ पर जिसमें अपने सशक्त बल्लेबाज हैं उनको नीचे रखा जाए? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट स्टेज मैच में कुछ अच्छे बल्लेबाज होते हैं ऊपर आते हैं, तो हमने नीचे अच्छे अपने थोड़े अच्छे बैट्समैन रखे थे जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी डू एंड डाई सिचुएशन है, तो उसके लिए भी प्लान करेंगे। इम्प्रूवमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा है, स्टार्टिंग में मेरी ओर से इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और फील्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद आलोक और सत्यदीप ने जिस तरीके से सक्रिय साझेदारी की, उससे कैसा लग रहा है, किस तरीके का माहौल है आपके ड्रेसिंग रूम में? मैंने वैसे बताया आपको कि टीम पूरी मोटिवेटेड है, और सबसे बड़ी चीज़ वो 2 सीनियर प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पूरा ट्रस्ट है टीम को। जैसे कि लास्ट मैच में आलोक पहली गेंद पर, अगर आलोक कुछ देर टिके होते तो वो मैच के हम आराम से जीते। 100 रनों की सक्रिय साझेदारी, आलोक का कितना अहम योगदान मानते हैं, जो एक पहाड़ सा लक्ष्य आपने इस मुकाबले में एमआर के सामने रख दिया? वो आलोक भाई है, हमारी टीम के बहुत बेस्ट खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खेलते हैं, तो उनका साथ रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए।